दोस्तों, ये हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 है, जिसमें हम टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जिसमें भी मतलब एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क में, कि एक पर्सन इतना एफिशिएंट है दूसरे पर्सन से तो कितना काम वो करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप राव, देख रहे हैं श्री टेक्निक। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि ए थ्राइस एज गुड एज बी इन वर्क। मतलब कोई ए 3 गुना काम करता है बी से। ए इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 60 डेज। मतलब कि ए इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। मतलब ए कोई काम करता है पूरा कंप्लीट करने में बी के मुकाबले 60 दिन वो कम डे लेता है। तो दे कैन फिनिश द वर्क इन डेज इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन समझ आ गया कि वो साथ में फिनिश करेंगे तो कितने दिन में लेंगे वो। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एफिशिएंसी वाले कैसे करेंगे। इसने बोला है कि ए कोई काम करता है 3 गुना बी से, ये हमारा बोल रखा है इसने। ठीक है, पर इसने देखिए कंडीशन दे रखी, इस कंडीशन से हम मान सकते हैं। तो हम क्या होता है, हमें डेज पता होते थे तो हम कर लेते थे इजीली कि ए इतने डेज में काम करता है, बी इतने डेज में करता है, टोटल वर्क निकाल लेते थे जैसे हमने पहले किया है। तो अब देखिए, हमें इतना डेज लेना है, मान लेना है कि उनमें 60 डिग्रीज का वो 60 डेज का गैप हो। मान लो कि मैं बी 90 डेज करता है, तो इसने बोला कि ए 60 डे कम लेता है बी से, तो कितना डे लेगा, 30। तो आपकी ये भी कंडीशन बैठ जानी चाहिए उसमें, और आपकी ये भी कंडीशन बैठ जानी चाहिए कि वो 3 गुना एफिशिएंट है और डेज वाला भी। तो वही हमारा, अब लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हम 90 यूनिट आएगा हमारा, जो कि हमारा टोटल वर्क होता है। तो हमारा 1 डे वर्क निकालेंगे तो 90 को 30 से डिवाइड किया तो वही हमारा 3 यूनिट पर डे। ओ नो, 3 यूनिट पर डे, और हमारा बी करेगा हमारा 1 यूनिट पर डे। 90 को हमने 90 से डिवाइड किया, बी हमारा करेगा 1 यूनिट पर डे। ठीक है, ये हमारा गया, और हमारा ये कंडीशन भी सही बैठ रही है कि बी हमारा जब 1 यूनिट करता है तो ए उसका 3 गुना करेगा 3 यूनिट। ठीक है, अब तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया, वही हमारा 90 यूनिट हमारा टोटल वर्क है, और जब मेरा ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे वो बोल रखा है। तो ए और बी जब हमने प्लस किया तो 4 यूनिट पर डे काम करेंगे वो। ठीक है, तो 90 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, हमारा 45/2 मतलब 22.5 डेज, इतना वो दिन लेंगे जब वो साथ मिलके काम करेंगे। तो देखा आपने कितना आसानी से हमने कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। द 16 वुमेन एंड 24 मैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज इफ ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ वुमेन टू फिनिश द वर्क। मतलब क्या बोल रहा है कि 16 वुमेन और जो मतलब प्लस में आएगा ये एंड है ना, एंड को के हिसाब बता चुका हूं मैं। 16 वुमेन और 25 मैन मिलके काम करते हैं हमारा 18 डेज में। तो इफ ईच वुमेन, और ईच वुमेन का कितना लेते हैं हमारा, ट्वाइस टाइम लेती है, मतलब दुगना टाइम लेती है जितना हमारा टाइम लेता है मैन करने में। इन हाउ मेनी डेज विल 24 मैन फिनिश द वर्क। कि 24 मैन जब काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया ये। तो हमारा वही एफिशिएंसी बेस है कि देखिए, हमारा मान लिया हमने वुमेन हमारा 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो हमारा मैन कितना काम करेगा, वुमेन से डिनोट कर रहा हूँ डब्ल्यू को और एम को मैन से। तो इसने बोला ट्वाइस टाइम, मतलब मान लो वुमेन 2 दिन लेते हैं तो मैन हमारा 1 दिन लेगा टाइम के हिसाब से। तो पर वो हिसाब से देखा ना, तो मतलब एफिशिएंट कौन हुआ हमारा, मैन एफिशिएंट हुआ। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, टाइम आपका ले रहा वुमेन दुगना, मतलब मान लो आपका मैन 1 दिन ले रहा है तो वुमेन 2 दिन लेगा। तो वही आपका यदि मैं यूनिट में कन्वर्ट करें तो वुमेन 1 यूनिट कर रहा है उसी दिन में, तो मैन कितना करेगा, 2 यूनिट, उससे ज्यादा एफिशिएंट हो गया ना पर डे। टाइम और ये यूनिट में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, हमें टोटल वर्क निकालना होता है, तो टोटल वर्क कहां से निकलेगा, अब ये जितने मैन वुमेन दे रखे उस हिसाब से देखिए हमारा कितने दिन कर रहे हैं, 18 डेज में काम कंप्लीट वो कर रहे हैं, कितना यूनिट काम होएगा आप देखिए वो निकालेंगे हम। 16 वुमेन और 24 मैन मिलके काम कर रहे हैं, तो हमारा 1 दिन का यूनिट का पता ही हमें, 16 1 यूनिट काम करता है प्लस 24 मैन हमारा कितना करता है, 2। तो ये 18 इंटू कितना आ गया हमारा, ये 64। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा, देखिए आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ करने का। इसका वैसे तो 1152 यूनिट आएगा, कि मैं डायरेक्ट कैसे कर लेता हूँ बताता हूँ आपको। इसका मल्टीप्लिकेशन करने का 2 तरीके होते हैं, आपको टाइम कैसे बता सकते हैं, शॉर्टकट में आप करेंगे ना तभी आप टाइम बता सकेंगे। एक तो आपको करने का तरीका है कि
कि 64 को मल्टीप्लाई कीजिए 20 माइनस 2 है, ठीक है आसान हो जाएगा ना ये, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पता है 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 128 इंटू 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो 128, तो माइनस करिए तो ये आ जाएगा हमारा। दूसरा तरीका देखिए, आपको 18 को मल्टीप्लाई करना 64 को, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया ठीक है 6 वन इंटू 6, और इस टर्म को फिर आपको क्या करना, इधर क्या रखना आपको 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेगा 8 4 2। ये आपको मैं स्पीड मैथ के तरीके होते हैं, मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, यदि आप देखना चाहते हैं तो ये आप कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर ही बता रहा हूँ आपको ताकि आप सीख सकें ठीक है। कई ने पूछा था कि आप ये शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई 32 आया, 32 का हमने 2 रखा 3 कैरी बचा। अब क्या करना है आपको, इस टर्म को मल्टीप्लाई प्लस आपको इस टर्म का मल्टीप्लाई, या आप अभी आपको वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, या आपको यहाँ पर लेंथी ना हो जाए आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने डिटेल में बता रखा है, आपको वीडियो में आपके चैनल पे जाएंगे ना आपको स्पीड मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, वहां पर आपको बता दूंगा। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टकट आपको आसानी से डायरेक्ट हो जाएगा आपका, ये ऑर्डिनरी मेथड मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे उस तरीके से ठीक है। तो 1152 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया हमारा यहाँ पर ठीक है। अब देखिए हमारा 1152 यूनिट हमारा टोटल वर्क है, काम कितना करना है 24 मैन को, हाउ मेनी डेज निकालना है ना, तो 24 मैन हमारे हैं, तो कितने कर रहे हैं 24 मैन, दो यूनिट के हिसाब से काम करेंगे पर डे, कितना होएगा 48 यूनिट पर डे काम होएगा, तो 1152 यूनिट हमारा करना है हमें पूरा, और 48 यूनिट हमारा पर डे हो रहा है, तो कितना आएगा हमारा ये 24 डेज हमारा टोटल काम करने में लगेंगे ठीक है। तो आप देखा आपने समझा आप कैसे कर इजिली से क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है, ये मैं बताना चाहिए कि मैं पहला फर्स्ट डे वर्क पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, एफिशिएंसी वाला केस आ गया कि 30% मोर एफिशिएंट है बी से, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द जॉब, ये वो कितना टाइम लेंगे यदि मिलके काम करते हैं उस कंप्लीट को जॉब को कंप्लीट करने के लिए, विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज, मतलब जिसको ए हमारा 23 डेज में कंप्लीट करता है, ये वाला वही आप समझ गए ना, ये वाला केस क्यों दिया, टोटल वर्क निकालने के लिए, और ये हमारा एफिशिएंसी क्योंकि हमें इनमें रिलेशन पता हो ठीक है। तो हमारा हमने वही मानेंगे हम कि हमारा बी काम करता है, ये हमारा लेट है, एफिशिएंसी वाले में लेट करके करना हमेशा इजी हो जाएंगे आपके, तो मैं मानता हूँ बी हमारा 10 यूनिट काम करता है पर डे, तो 30% कितना आएगा, 10% निकालना नहीं था, 10 का 30% हमारा 3 हुआ, तो ए कितना यूनिट करेगा हमारा 13 यूनिट पर डे, इसको निकालना नहीं आता मैं बता देता हूँ, 30% निकालना है हमें 10 का, कितना हुआ ये 3% ठीक है। हमारा ये हमारा इनका वन डे वर्क आ गया। अब देखिए हम यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते क्योंकि इसने हमारा कंप्लीट देखा कि ए हमारा 23 डेज में कंप्लीट करता है, तो हमारा ए को टोटल वर्क निकालने के लिए ए का यूज होगा यहाँ पर, देखते जाइए कैसे कैसे, तो ए हमारा काम कर रहा है 13 यूनिट पर डे, तो काम किसको इसको कितने दिन करना है 23 दिन, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर, सो मल्टीप्लाई किया मैंने 299 यूनिट, ये हमारा क्या है टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया हमारे पास वन डे वर्क, आपको कुछ बताइए नहीं क्वेश्चन में, देखिए टोटल यूनिट वर्क कितना है और मिलके काम करेंगे तो कितना डेज लेंगे, तो मिलके किया इन्होंने कितना हुआ 23 यूनिट पर डे, तो 299 हमारा टोटल है, 23 को डिवाइड किया इससे हमारा कितना है ये 13 डेज, ये हमारा सेकंड ऑप्शन, कितना हमने इजीली निकाल लिया ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर करते जाने हैं, तो आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ यदि हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कीजिए ताकि आपको वहां पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे भी, और वहां पे आप मुझे एडमिट करके मैसेज भेजें, मैं आपको ब्रॉडकास्ट इसमें ऐड कर लूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी, कि ए दुगना टाइम लेता है, ये टाइम और एफिशिएंसी में थोड़ा डिफरेंस रखना ठीक है, एफिशिएंट होएगा तो मतलब उससे ज्यादा काम करता है ए, और टाइम ज्यादा लेगा तो मतलब उस दूसरे से कम काम करेगा, वो टाइम ज्यादा ले रहा है ना, वो ये बात याद रखना, ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी,
ये ए दुगना टाइम लेता है बी से, और सी एंड सी टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज बी, तो सी 3 गुना टाइम लेता है बी से, ठीक है। इतना हमारा ये कंसेप्ट आ गया। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, जब मिलके काम करते हैं तो 12 दिन वो टोटल दिन लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा टोटल वर्क, ठीक है। ऐसे ऐसे हमें माइंड में पिक्चर बनाते जाने हैं, तभी हमारा क्वेश्चन समझेंगे हम। फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड ए टू डू द होल वर्क, मतलब जब वो अकेला मिलकर काम करेगा तो कितने दिन नंबर ऑफ डेज लेगा जब वो ए काम करता है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब मिलके वही हमारा मानते हैं हम एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन बी के बाद सी रिलेशन है ए फिर सी हमारा, ये कैसे ही मान सकते हैं, ऑर्डर कोई जरूरत नहीं है, मानने का तरीका ही अपना अपना। तो हमारा मान लेते हैं बी हमारा करता है इसके हिसाब से कि हमारा 6 यूनिट करता है पर डे, ठीक है। तो ये ट्वाइस टाइम लेगा तो उससे मतलब हाफ यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट पर डे, ये आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरत नहीं है ये भी मानने की, बस उसमें जो रिलेशन बोल रहा है वो सही होना चाहिए हिसाब से। अब बोल रहा है कि सी हमारा तीसरा 3 गुना टाइम लेता है बी से, 3 गुना लेगा तो उससे 1/3 काम करेगा ना वो, तो 6 है तो 1/3 किया तो 2 यूनिट पर डे, ठीक है। इसको बी के सेंटर में रख के हमने, इसलिए मैंने बी पहले लिया क्योंकि बी से रिलेट कर रखा है ए और बी सी को, ठीक है, कि कितना काम वो करते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों की यूनिट, क्योंकि हमारा काम करता है 12 दिन, 12 दिन पूरा काम चलता है, और कितना यूनिट काम करता है चलता है एक दिन में, एक दिन में हमारा 12 दिन में कितना काम होएगा तो वही पता पता लगेगा ना एक दिन में कितना काम होता है। तो 6 + 3 + 2 ये हमारा हो गया 11 यूनिट, तो टोटल कितना हुआ हमारा ये 132, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अब तो टोटल वर्क है हमारे पास और ए का वर्क है, निकालने को सबसे आसान रह जाता है। अब तो 132 डिवाइडेड बाय ये हमारा करता 3, तो ये कितना आ गया हमारा 44 डेज। देखिए सेकंड ऑप्शन कितना है हमारा, बिल्कुल 5 5 10 10 सेकंड के क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी, किसी को पेपर क्लियर करने से पहले सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक्यूरेसी, दूसरा हमारा होना चाहिए स्पीड, फिर हमारे पास होना टाइम मैनेजमेंट, ये हमारे पास है तो हम किसी भी पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी टेक्निक्स को और दबाइए बेल आइकन जिससे आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले और आप वीडियो को देख सकें। तो बस आज के इस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पाइप एंड क्वेश्चन से बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।